सुशांत सिंह केस में मुंबई पुलिस को दिए बयानों बहनों के बयान पर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने सवाल उठाए, लेकिन जवाब देने के लिए आज तक पर आए रिया के वकील सतीश माने शिंदे। पहली बार सुशांत केस में दोनों पक्षों के वकील एक साथ आज तक पर आए। आप भी सुनिए अब तक की सबसे बड़ी और सुपर एक्सक्लूसिव कानूनी टक्कर। मिस्टर मान शिंदे, हम आपको सुनाते हैं आज विकास सिंह साहब ने क्या कहा है, जरूरी नहीं है दवा लेने पर, फिर इस पर आपका रिस्पॉन्स लेंगे। FIR में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी 2019 तक। एकाध पहले कोई घटना छोटी मोटी हुई होगी, लेकिन उससे कोई उनके मानसिक स्थिति में कोई फर्क नहीं था। 2019 में रिया उनके जिंदगी में आने के बाद उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई, और मानसिक स्थिति जो खराब हुई उसमें बड़ा क्लियरली FIR में लिखा है कि वो बहुत घबराए रहते थे। घबराना का मतलब अंग्रेजी में एंग्शियस होता है, एंग्जाइटी होता है। जो भी प्रिस्क्रिप्शन फैमिली के साथ शेयर किया गया था उसमें कोई कभी कैजुअल तरीके से, उसमें कभी भी कोई बीमारी का नाम नहीं लिखा था। कुछ दवाइयां लिखी थी जो कि नॉर्मली प्रिस्क्रिप्शन में नहीं होता है। दवाई दवाई के साथ साथ बीमारी लिखा होता है, तब दवाई लिखा होता है। और 8 तारीख को जब वो बहुत घबराए हुए थे सुशांत सिंह राजपूत, तो उन्होंने अपने बहन को फोन किया, तो बहन जो खुद दवाई अपने घबराहट के लिए खाती थी उसने वही दवाई उनको बोला कि खा लो। और जब उन्होंने कहा कि शायद बिना प्रिस्क्रिप्शन से नहीं मिलेगा, तो उन्होंने ओरल कंसल्टेशन करके उनको प्रिस्क्रिप्शन दिलवाया। जी मानशिंदे जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। वो कह रहे हैं कि 2013 में परेशानी थी, उसकी दवा ली थी, इलाज हो गया था। 13 से 19 तक फिर कोई परेशानी नहीं थी, रिया आई उसके बाद से दिक्कतें हुई। और 8 जून पर वो कह रहे हैं कि जो दवा उनकी बहन भी एंग्जाइटी के लिए लेती थी वही दवा उन्होंने अपने भाई सुशांत को बताई। इस पर आपकी प्रतिक्रिया। मेरा इनका जो स्टेटमेंट है उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि 5 डॉक्टर है, हरीश शेट्टी और 4 डॉक्टर्स जिसने उसको ट्रीट किया था, उनको बुलाया जाएगा CBI में। वही कहेंगे कि इनका बीमारी क्या था और क्या नहीं था, और एक्सप्लेन करेंगे कि कब से था और कब से क्या हो रहा है। तो मेरा कोई इसमें टिप्पणी देने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।